नागपुर वर्धा मार्ग पर यात्रा कर रहे यात्रियों ने राहटे कॉलोनी चौक के पास अफरा तफरी देखी, जहां मंगलवार दोपहर एक खाली ट्रक में आग लग गई थी। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी तरह की जीवित हानि नहीं हुई है। चालक ट्रक से बाहर निकलने में सफल रहा। हालांकि व्यस्त राजमार्ग पर यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित हुई, लेकिन नागपुर यातायात पुलिस के हस्तक्षेप के बाद सुचारू रूप से यातायात कर दी गई। गाड़ी की आग बुझाई गई, गाड़ी का जो सामने का केबिन है वो पूरी तरह जल गया है और एक टायर उसमें लग गया, लेफ्ट साइड का टायर जला हुआ। लोगों से मेरी यही अपील है, अपने नागरिकों से अपील है कि गर्मी के मौसम में गाड़ी चलाते समय ये ध्यान रखे कि कहीं वायर जॉइंट है वो लूप में नहीं है, वायर वो जॉइंट वायर अगर टेप नहीं किया हो, ऐसे समय में चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि चलते गाड़ी में अगर वो कहीं इन केस वायर टच हो जाता है बॉडी को तो चलते समय कहीं आग लगने की संभावना रहती है। अभी जो एक आग लगी है चलते गाड़ी में आग लगी है ऐसा ड्राइवर का कहना है, इसका स्पेसिफाई रीज़न कुछ पता नहीं लगा सकते, लेकिन ये इतना निश्चित है कि धुकाले के समय में अपने गाड़ियों के वायरिंग वगैरह बराबर लूप में है कि नहीं, ज्वाइंट वायर नहीं होना चाहिए जो बॉडी से टच हो जाए जिससे अचानक आग लग जाती है, ये संभावना हो सकती है, ऐसा बता निश्चित रूप से इसमें नहीं कह सकते ये आग अभी किस वजह से लगी।